मैं संदीप निषाद स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। अभी हम आए हुए हैं संगम तट की तरफ, जिसके बारे में आप जानते होंगे कि यहां का जल स्तर एक टाइम आता है कि बढ़ जाता है और कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे यहां का जल स्तर कम होने लगता है। तो आइए यहीं से जानते हैं लोगों से उनका क्या कहना है यहाँ के बारे में। राम राम चाचा। यहाँ का जल स्तर फिर क्या अभी बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? घट रहा है। घट रहा है, मतलब पहले बढ़ा हुआ था बहुत ज्यादा रहा, दो दिन में 8 साल से ज्यादा रहा। अच्छा, तो यहाँ पे जल स्तर, यहाँ का जरा थोड़ा इधर कैमरा दिखाइएगा, यहाँ का पानी कहाँ तक? यहाँ पे जल स्तर बढ़ने दिक्कत तो कुछ नहीं, अपने साथ बढ़ना चाहिए, जरूरी है, दिक्कत अच्छा। कुछ नहीं होती है। 4 महीना तो आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है, हमेशा जल बढ़ता है। अच्छा, ठीक है, अपने समझ लिए। ठीक है, धन्यवाद अच्छा। कुछ और लोग पूछते हैं। भैया नमस्कार। भैया सर जो बढ़ा हुआ है अभी हम नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। होती है आप लोगों को बहुत दिक्कत होती भैया? अच्छा, दिक्कत ये परेशानी है कि हम लोग को अकेला आदमी है। हाँ। कोई तो है नहीं हमारे आगे पीछे। हाँ। अब ये ले जाने और लाने में हमको कितना परेशानी पड़ता है ये तो हमारी आत्मा जानता है। ये बात तो सही है। तो यहाँ पे आप कब से दुकान लगा रही हैं? हम लोग को घटा है, अभी घटा हुआ है, अभी पानी और घटेगा कि इतना ही रहेगा? और घटे। अच्छा, तो अभी फिर आप लोग अभी तो 2-3 दिन बब्बे भाग पानी घटे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे भाई आंटी जी नमस्कार। यहाँ पे जैसे जब पानी बाढ़ जाता है तो क्या क्या दिक्कतें होती है आप लोगों को? क्या दुकान मतलब हटाना बढ़ाना पड़ता है क्या? इधर उधर है ना, बाढ़ आई तो हटा पड़ गई करी। अच्छा, तो हम लोग हटा, थोड़ा सा इधर घूम जाइए जरा। अरे भाई नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं है, पर पूछ रहे हैं यहाँ पे, सर्वे कर रहे हैं। तो जैसे जब पानी बाढ़ जाता है तब आप लोग दुकान कहाँ पे लगाते हैं? हम लोग वहाँ ले जाए बजरंगबली पे, परेड हनुमान जी के मंदिर की तरफ ले जाते हैं। तो जब वहाँ हो जाता है तो परेड में ले जाए। अच्छा, जब वहाँ भी पानी आ जाता है तो परेड में चले जाते हैं, मतलब ये है कि पानी बहुत ऊपर तक चला। हाँ, आपकी बहुत ऊपर तक रुका, पूरा बजरंगबली पूरा डूब गया रहा। अच्छा, आइए यहाँ पे कुछ 2-3 आंटी और बैठी हैं, उनसे भी पूछते हैं उनको किस तरह की दिक्कतें होती है यहाँ पे जब पानी ज़्यादा आ जाता है तो। नमस्कार आंटी जी, यहाँ जैसे जब पानी थोड़ा बाढ़ जाता है तो दुकान वालों को दिक्कतें होती है क्या? हाँ, दिक्कत तो बहुत होती है भैया। अच्छा, तो अभी पानी क्या बढ़ा हुआ है?
नहीं, अब पानी तो घट गया। अच्छा घट रहा है, मतलब पहले बड़ा हुआ था अभी घट रहा है ना, तो कैसे दिक्कतें होती है, फिर दुकान पूरा उठा के ले जाना पड़ता होगा। हाँ दुकान ले जाते वहाँ बजरंग बली पे। पानी बाढ़ जाता है तो क्या दिक्कत होती है आप लोगों को? दुकान ले जाते हैं बाहर। अच्छा परेड पे, परेड में जाना पड़ता है इतना दूर? हाँ सब पूरा बूढ़ जाता है। अच्छा। तो परेड जाए तो ये सब आप कैसे फिर पूरा अकेले ही खुद करना पड़ता है कि स्थानीय लोगों की मदद लेती है? नहीं ले जाते हैं टांगा से अपने से अकेले। अच्छा पूरा सामान ले जाना पड़ता होगा। हाँ। और जब फिर पानी घटता होगा तब फिर लाते, फिर वापस आते हैं। ठीक है ये देखा ना, फिर आपने जब पानी बढ़ जाता है तो यहाँ पे जो स्थानीय जो दुकान वकान लगाते हैं ये सब माला फूल और चूड़ी कंगन का, इनको बड़ी दिक्कतें होती है, इनको अपना दुकान फिर वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ता है पूरा, जहाँ पे पानी जहाँ तक आया रहता है। आए तो यहाँ झांसी से, काम हमारा यहाँ चल रहा है इलाहाबाद। तो इससे पहले भी आप संगम में आ चुके हैं क्या? हाँ हाँ संगम में। तो जब पहले आए हुए थे तब यहाँ का जल स्तर कैसा था, बढ़ा हुआ था कि घटा हुआ था? अभी एक महीने पहले। नहीं नहीं मतलब आप एक महीने पहले आए हुए थे क्या? एक महीने पहले तो जल स्तर बढ़ा हुआ था। बढ़ा हुआ था तो अभी यहाँ पे घटा हुआ है? अब तो घटा हुआ है। तो पहले का मतलब सही था कि अभी का सही है? नहीं पहले तो ज्यादा हो रखा था। अच्छा पहले दिक्कतें हो रही थी यात्रियों को? हाँ अब तो ठीक है। अच्छा अभी ठीक है? अब तो ठीक है। आपको भैया कैसा लगा यहाँ पे अभी जल स्तर? यहाँ पे अभी तो फिलहाल एक महीने पहले बढ़ा हुआ था, अभी गिरा हुआ है थोड़ा। अच्छा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, वैसे इतना है तो ये एंजॉय होता है घूमने फिरने में, अच्छा लगता है। जब बड़ा हुआ था तो नहीं ऐसा कुछ था, दिक्कत परेशानी हो रही थी काफी। अच्छा ठीक है भैया, थैंक यू। चलो बेटा।